हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका था, और सेकंड पॉइंट पर बेस्ड मैं अब कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। हेलो, मैं पवन राव अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है कि मैं आपका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करता ही हूँ। ज्योमेट्री और मेंशुरेशन में मतलब आप लोग अगर देखोगे तो ट्रिक्स ज़्यादा नहीं होती हैं, वहाँ अप्रोच होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को अब थोड़ी थोड़ी अब ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे आपने टाइम एंड वर्क देखा उसमें ट्रिक्स हैं। अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, अल्जेब्रा, इनमें अब ट्रिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे दो आपने अगर, लेकिन बेसिक आपका नॉलेज अगर अच्छा होगा तो आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। बेसिक अगर नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं सेकंड पॉइंट पर, कल मैं सेकंड पॉइंट कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट अगर ये वाला वीडियो देख रहे हो आप लोग कोई भी, तो आप लोग गलत जगह हो। आप लोग पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप लोग देखिए, ताकि आपको सही तरीके से और अच्छे से समझ में आए। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नहीं, 6-7 हो चुके थे कल, आज देख रहे हम लोग 8 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में मैं करवा चुका था, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जैसे लिखा हुआ है 5 cos θ + 12 sin θ, 5 cos θ + 12 sin θ इक्वल्स टू 13। देन हम लोगों से वैल्यू पूछी है कि 10 θ की वैल्यू क्या होगी। देखो, मैं पूरा बेसिक समझाता हूँ आप लोग। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आया ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, वैसे पढ़ाने का सिर्फ, क्योंकि फिर आप लोग वही चीज़ें याद करते हो और जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है तो आप लोग फंस जाते हो। तो आप लोग अभी घबराना नहीं, आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए उस पर आप लोग सीखिए और कोशिश कीजिए मतलब क्वेश्चन को सीखने की। कैसे कर पाएंगे, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास आ जाए तो पूरा जो आपका दिमाग चलना चाहिए सबसे पहले, अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो, अगर वैसे रटनी है चीज़ें तो अलग बात है, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसा पढ़ते चलो। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ट्रिक से खुद ही क्यों कर रहे हैं ऐसा ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा, मास्टर बन जाओगे इसमें। लेकिन सिर्फ रटने की कोशिश करोगे कि सर इसको ऐसे रट लिया, इसको ऐसे रट लिया, क्योंकि हो सकता है आपने ये कहीं पर पढ़ा हुआ हो, अगला पॉइंट उससे आगे आएगा, अगला पॉइंट उससे आगे आएगा, ऐसे हम लोग जैसे जैसे पॉइंट पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में चीज़ें हो सकती हैं आपने कहीं से रट रखी हो, लेकिन फिर भी आप कंप्लीट देखना। साइन और कोस का अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या दिमाग चलना चाहिए आपका, हमेशा ये दिमाग चलना चाहिए कि हम लोग कंप्लीट को या तो साइन में बदलते हैं या कोस में। तो क्या करेंगे इस कोस थीटा को, क्योंकि साइन स्क्वायर अगर हो तो उसको आप लोग 1 - cos² लिख सकते हो, मैं बता चुका हूँ कल की क्लास में, या कहीं कोस स्क्वायर हो तो उसकी जगह 1 - sin² लिख सकते हो। अकेले साइन थीटा को आप लोग 1 - cos θ नहीं लिख सकते, ये आप लोगों को पता होगा या पता होना चाहिए, नहीं लिख सकते, सिर्फ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए कोशिश करना समझने की। हम लोग क्या करेंगे, 5 cos θ को हम लोग आगे ले जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 12 sin θ। इस क्वेश्चन का करने का जो सही तरीका है 13 - 5 cos θ। और समझना, मैंने कहा है इस चैनल पर सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रिक्स बेसिक सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग उसको कंप्लीट वीडियोस देखा करो शुरुआत से लेकर लास्ट तक। ये 1 घंटा जो है 6 से 7 हमेशा आप लोग फ्री रखा करो, ये मैंने पहले भी कहा था। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको लगेगा कि सर पहले भी स्क्वायर कर सकते थे हम लोग, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। जितने वीडियो देख रहे हैं ये आप लोगों को लगा होगा, लेकिन देखिए एक बार मैं बताता हूँ उसका आंसर भी, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे ऑफलाइन क्लासेस में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर भी आपके दिमाग में बन रहे होंगे। देखो, ये अपना कंप्लीट कोस में बन गया, ये अपने पास साइन है, इसको 1 - cos² लिख सकते हैं। अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर बनेगा 120 sin θ × cos θ, और sin θ × cos θ फिर बन गया, और sin × cos अगर आ गया तो वहाँ एक में साइन या कोस में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे आप, फिर वहाँ पर फंस जाओगे। तो पहले एक टर्म को, किसी भी एक को, चाहे इसको आगे ले लो चाहे दोनों में से एक आगे लेना है, और फिर होल स्क्वायर करना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये साइन स्क्वायर की जगह हम लोग, और जो ट्रिक्स होंगी वो भी मैं बताऊंगा डायरेक्ट तरीके से, आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को डायरेक्ट और ऐसे ही मैं सिखाऊंगा कि बिना पेन चलाए या एक ही स्टेप में क्वेश्चन कैसे करोगे, वो तरीके मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले बेसिक तो आना चाहिए ना, पहले ही रटने की कोशिश करोगे तो फिर तो काम नहीं चलने वाला।
साइन स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 169 प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कोस थीटा। जब इसका इससे इंटू करोगे तो 144 और 144 कोस स्क्वायर, इधर जाके वो 144 माइनस का ऐड होगा तो 169 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 130 कोस थीटा, और ये 144 इसमें ऐड होगा तो प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो। ये अपने पास लिखा हुआ है, ये जो है अपने पास ए स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 2ab, तो ये 13 कोस थीटा। अलजेब्रा में ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। होल स्क्वायर बराबर जीरो है तो रूट करेंगे हट जाएगा स्क्वायर, 13 कोस थीटा बराबर 5, तो कोस थीटा की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो 5/13 आ गई। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 5/13 आ गई है, तो कोस का जो मान होता है, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है 5/13, रेशियो किसका होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर या लंब जो होगा वो 12 है, और टेन थीटा आप लोगों से पूछा है लंब बटे आधार होता है तो 12/5 12/5 ये अपना आंसर है। दोनों मीडियम में हम लोग लेकर चलेंगे इंग्लिश और हिंदी हमेशा और हमेशा। तो टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 है, बेस अपने पास 5 है, पहला तरीका। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये तरीका पता होना चाहिए, बस मुझे यही सिखाना है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेने की, ये जल्दी कैसे होगा, एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, वो सारे तरीके ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को एक बार पढ़ो, आप लोग खुद को समझ में आ जाएगी कि हाँ हम लोगों ने किस तरीके से और कैसे पढ़ी है, लेकिन कंप्लीट पढ़ा करो आप लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा अपना, ये तो 12/5 अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका क्या होगा, कल की क्लास में मैंने बताया था ए साइन थीटा बी कोस थीटा, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा भी हो सकता है, प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू अगर सी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर ट्रिपलेट्स अगर हैं ए बी सी, तो इसको नीचे ले आओ, कोस थीटा की वैल्यू होगी ए बाई सी, और इसको नीचे ले आओ, साइन थीटा की वैल्यू होगी बी बाई सी, कल की क्लास में बताया। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो कहाँ से कैसे कैसे कंपेयर करके आई थी, कल का वीडियो देख लो, अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो 13 को इसके नीचे ले आओगे तो ये बन गया 5/13 कोस थीटा, ये तो मैं एक बार लिख कर बता रहा हूँ, एग्जाम में चीज़ें नहीं लिखनी। साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोस थीटा का मान जो होगा वो 5/13 होगा, और साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 12/13, और टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है तो टेन थीटा इसका डिवाइड करोगे तो ये आ गया 12/5, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताओ, समझ पाए हो क्या, समझ आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन बिना पेन चलाए आपको खुद को करना है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अपने पास मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए 12 cos theta प्लस 9 sin theta इक्वल्स टू 15। देखो थोड़ी देर बाद, अभी मैं समझा रहा हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही पूछूंगा इसका बेसिक क्या होगा आपको नहीं आएगा, तो बेसिक जो है आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कभी हवा नहीं बनाता कि ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स देखते आंसर ये वो ऐसे कर देंगे आग लगा देंगे ये है वो है, वो चीज़ें तो मैं करता हूँ नहीं। मैं हमेशा, मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स का, ये चीज़ मुझे पता है, तो ध्यान रखना कि आपका सिलेक्शन तब ट्रिक्स अपने आप याद रहेंगी, अकेली ट्रिक्स याद रहेंगी थोड़ी देर बाद ही आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ट्रिक्स अपने आप याद रहेंगी अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। तो फिर हम लोग 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखेंगे कोस थीटा की वैल्यू 12/15, दिमाग में ही सोचना है तो मैं तो लिख देता हूँ, और साइन थीटा की वैल्यू 9/15, तो 3 से 4 टाइम 3 से 5 टाइम 3 से 3 टाइम 3 से 5 टाइम। अब आपसे टेन कॉट से कोसे कुछ भी पूछे ये अपना आंसर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसी टाइप का, ये आपकी प्रैक्टिस बने, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई भी 10 नंबर क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो जब भी साइन और कोस में क्वेश्चन आ जाए, साइन थीटा और कोस थीटा में क्वेश्चन आ जाए,
जब भी साइन थीटा और कोस थीटा में अगर क्वेश्चन आ जाए, ये ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा कोस थीटा और आगे इस प्रकार से अगर कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, क्वेश्चन करने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग चेक करेंगे क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है या नहीं है। तो जब भी अपने पास एक, मैंने पहले भी जब आप लोगों को पढ़ाया था और ये काफ़ी जगह काम में आएगा, सभी लोग समझिए ये काफ़ी जगह काम में आएगा, तीन संख्याएं हमेशा ट्रिपलेट्स में होती हैं अगर कभी भी ऐसे हैं तो। ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कब समझाया था, जब मैंने आप लोगों को CDS के पेपर करवाए थे उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अपने पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये अपने पास एक है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और एक है अपने पास यू स्क्वायर टू यू वी, ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होते हैं अगर ऐसे हैं तो। टू यू वी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हमेशा ट्रिपलेट्स में होंगे अगर इस प्रकार से कभी भी हैं तो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टू ए बी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हमेशा होता है, कभी यू का मान एक दे देगा कभी वी का मान एक दे देगा, ये बात आप लोग खुद ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग अगर सोल्व भी करोगे तो सोल्व करके देख लेना घर पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, करके खोल के देखोगे इसका स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, दोनों बराबर आएंगे, आप लोग करके देख लेना। तो ऐसा और ये चीज़ें करके नहीं देखनी है एग्जाम में, इस फॉर्म में अगर कभी भी है तो ये हमेशा ट्रिपलेट्स होंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा इसका स्क्वायर होता है। ये नंबर सिस्टम में भी आपके काम में आएगा और अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा तब भी ये पॉइंट काम में आएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो ये अपने पास इसको नीचे लेकर आएंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू भी इसको नीचे लेकर आओगे तो साइन थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अपने पास इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है टेन थीटा का, वही वैल्यू पूछे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे बताओ टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी होगी क्या। अब देखो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ से टेन थीटा का जैसे ही मान पूछे तो टेन थीटा का और जल्दी क्वेश्चन देखते ही क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, इनका अपॉन में लिख दो, ये हमेशा टेन थीटा का मान। तो ऐसी चीज़ें आप याद, ट्रिक्स तो बन गई, इसके नीचे ये लिख दो, 15 के नीचे 9 लिख दो टेन थीटा का, लेकिन वहाँ जरूर ना थोड़े ना टेन थीटा पूछे, कोट से कोसे कुछ भी पूछे। अब इतनी भी आप लोगों को इतनी ट्रिक्स पर भी नहीं जाना है कि ये अपॉन ये बराबर टेन थीटा, कि पर्टिकुलर हर क्वेश्चन ही आप लोग रटना शुरू कर दो कि टेन थीटा आ जाए तो ये अपॉन ये लिख देना, क्योंकि वहाँ जरूर नहीं टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा प्लस कोट थीटा भी पूछ सकता है, साइन प्लस कोस भी पूछ सकता है, सेक भी पूछ सकता है, कोसेक भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग इतनी ज़्यादा ट्रिक्स भी मत बना लेना, है ना, यहाँ तक ही ठीक है, और क्योंकि दिमाग में ही सोचना पड़ेगा फिर पूछे तो ये अपने आप लोग लिख लोगे। तो आइए अब आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोगों को ये घर पर करना क्या है, ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट ये आंसर आएगा ये मैंने करवा दिया है, आपको करने की कोशिश क्या करनी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिक तरीके से आपको करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हमेशा बेसिक तरीके से आप लोग करने की कोशिश करना। जब बेसिक तरीके से अगर इसको करोगे आप लोग तो आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे लोगों को, जैसे बताया था ना होल स्क्वायर कर लेना, आगे ले जाना होल स्क्वायर, उससे आप लोग अलजेब्रा की चीज़ें भी सीखोगे और खुद उसको करने की कोशिश करना। मेरा मोटिव यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ मैं ये क्वेश्चन सिखा दूँ आपको, और मैं ये नहीं कह रहा, मैं लिख कर नहीं दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये मैं लिख कर दे सकता हूँ कि कोई भी एग्जाम दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और जब आप लोगों को बेसिक अगर पता होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगाओगे, जैसे ये अभी मैंने किया ऐसे करके निकल गए, तो दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। आपको करना क्या है, इसके साथ ही आपको इसको बेसिक से करना है, और बेसिक से अगर नहीं कर पाओ तो नीचे कमेंट में लिख देना। मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक तो ज्वाइन कर रखा है ना आपने, टेलीग्राम का जो मैंने एक चैनल बना रखा है टेलीग्राम पर चैनल बना रखा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी अगर नहीं पता हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं वहाँ पर इसका बेसिक आप लोगों को समझा दूँगा। तो देखिए और समझते हम लोग, और ये आए हुए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये मैं लगातार करवाते जा रहा हूँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, 11 नंबर दो बार हो जाए, हो सकता है कोई नंबर 6 नंबर आए ही नहीं, तो उससे मत घबराया करो आप लोग। ऐसा हो सकता है कभी कभार कि क्वेश्चन चल रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आया बीच में, 6 की जगह जैसे मैंने डायरेक्ट
क्योंकि नंबर वाइज तो है नहीं, मैं बीच बीच से करवा रहा हूँ, पहले 6 लिख दिया, फिर मुझे दिमाग में लगा कि 7 करवा दिया, मैं डायरेक्ट फिर 8 लिख दूंगा। तो आप ऐसे नहीं सोचा करो कि 6 नंबर कहाँ गया, वो जाता कहीं नहीं है, वो बस इस बोर्ड पर है ही नहीं, मैं सिस्टमेटिक तरीके से करवा रहा हूँ, बीच बीच से जो क्वेश्चन आपको करवाने चाहिए वो वाले। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11, अक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा रूट में अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सही संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं इस क्वेश्चन के, तो अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दूसरा ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है अपने पास, वो लिखा हुआ है अक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सी ऑप्शन लिखा हुआ है अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है अक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये चार हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे हम लोग, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। ये अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है, आप चेक कर रहे हो, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव का स्क्वायर ही आएगा, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसको उठाकर इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ 1 बन जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी भी अक्स अपॉन रूट में अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस थीटा की जो वैल्यू भी वो कितनी भी माइनस वाई अपॉन रूट में अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज जो हैं उसको आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग ये लिख सकते हो वाई स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो अक्स स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने लिख दिया किसकी जगह, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर का मान ये है अपॉन में ए स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी, बी स्क्वायर ये रहा बराबर में अपने पास चल रहा है 1 अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे बाहर को मनाकर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कट जाएगा या आगे चला जाएगा तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये अपना आंसर है। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये अपने पास ऑप्शन आ गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला डी अपना आंसर है। तो पहले जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कल जो जो पॉइंट आपको जो बेसिक बताया था, जो थ्योरी आपको बताई थी, उन्हीं पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से और अच्छे से समझ में आए, ये आप लोग ध्यान रखना। हर चैप्टर पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एक्स वाई जेड उसका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, किसी चैप्टर का पढ़ने का कोई तरीका होता है, किसी चैप्टर का पढ़ने का कोई तरीका होता है। मुझे ऐसा पता है कि कौन से तरीके से आपको ज़्यादा समझ में आता है, मेंशुरेशन कैसे पढ़ना है, ज्योमेट्री कैसे पढ़ना है, अलजेब्रा कैसे पढ़ना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के 7 क्वेश्चंस कितने करवाने हैं, बाद में कितने करवाने हैं, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेना, जितने क्वेश्चंस मैं करवाते जाऊं उसको कर लो आप लोग। और ध्यान रखना ये शुरुआत में मैं आसान करवा रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। एक बार आपका जो भी स्टूडेंट का बेसिक वीक है उनको साथ लेंगे, फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि 5 वीडियो 7 वीडियो देखने के बाद 10वें 11वें के बाद वो देखे ही नहीं, ऐसा नहीं हो, सभी वीडियो देखोगे तो फिर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए ये पहले किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो फिक्स टाइप है और ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी ए साइन थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ये कल समझा दिया था मैंने आपको, इक्वल्स टू सी है, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से कंपेयर करके क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैंने कल की क्लास में भी बताया था कंपेयर कैसे करते हैं, और आज की क्लास पर मैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 या 11 कर चुके हैं, 12 नंबर देखिए आप लोग, ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा
इक्वस टू 7/13, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वस टू 7/13 है, देन हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लिखने आसान है इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वस टू 7/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इफ थीटा की जो रेंज दी हुई है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दी हुई है थीटा की रेंज, ऐसे पूरा क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और रेंज दी हुई है हम लोगों को ये वाली, इस प्रकार से अपना पूरा क्वेश्चन है। और जो ऑप्शन दिए हुए हम लोगों को ए बी सी और डी क्वेश्चन के, ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, नहीं तो टिक क्या करोगे, ऑप्शन तो हमेशा आएंगे ये आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, देखिए आप इसके काफ़ी सारे तरीके हैं लेकिन जो तरीका है वो सीखिए आप लोग, जो होना चाहिए मतलब उसको आप लोग सीखिए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 7/13, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, मैं डायरेक्ट भी आप लोगों को करवा दूंगा, डायरेक्ट आप लोगों को अप्रोच क्या लगेगी वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए उसका बेसिक तरीका पहले समझाता हूँ, फिर जो कल की क्लास में जो आपको बेसिक अप्रोच समझाई थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसका होल स्क्वायर करो, इस जिसकी वैल्यू पूछी इसके बराबर में एक्स मान लीजिए, कुछ नहीं होता, ट्रिक्स वगैरह होते ही नहीं है, बनती कैसे हैं वो भी देखिए मैं बता देता हूँ। ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक्स ऊपर से भगवान ने भेजी है कि जा उस टीचर के दिमाग में जाके घुस जा और बच्चों को बताना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। ट्रिक्स क्या है देखिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे तो 49/169, इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू आर्क्स स्क्वायर, जब इसको ऐड करोगे आप लोग, इसको ऐड करोगे तो देखो ये कट जाएगा प्लस और माइनस, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1+1 यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 49/169 प्लस आर्क्स स्क्वायर। समझना इस क्वेश्चन को, पूरा बेसिक समझना है इसका, पूरा एकदम अच्छे से समझ लेना ताकि आपको सही तरीके से समझ में अगला क्वेश्चन भी, उससे अगला भी और उससे अगला भी। देखिए इसको इधर ले आओ, 2-49/169 बराबर अक्स स्क्वायर है तो अक्स की वैल्यू के लिए हम लोग ले लेंगे इसका रूट, क्या सही है क्या? अब यहाँ से आप लोग इसका गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 338-49/169 तो है ही, 169 तो नीचे चल ही रहा है, ये अपने पास अक्स की वैल्यू आ गई, और इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास ये आ जाएगी 289 ऊपर, इसमें से माइनस करोगे 9, 5 माइनस करोगे 28/169 है तो ये आ गया 17/13, अपना आंसर जो बेसिक तरीका अपने पास है। अब देखिए आप लोग मुझे बताइए, ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 1 है, तो होल स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो ये तो हमेशा कट जाएगा, इसको हम लोग इसके इनटू में रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, इसके इनटू में रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बेसिक तरीका आपको हमेशा आना चाहिए, बस ये याद रखना। बाकी तरीका क्या होगा इसका, करोगे कैसे, कल की क्लास में मैंने बताया था दोनों में से एक चेंज होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू सी दिया हुआ है, पहले माइनस बाद में प्लस ऐसे भी पूछ सकता है, और ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या तो ये पूछेगा या तो ऐसा हम लोगों से पूछेगा कि ए और बी चेंज, ये चेंज हो जाएंगे कोस इधर साइन इधर, या ऐसे हम लोगों से पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, तो अक्स की वैल्यू आप लोगों को बताई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बस जो फाइनल जो स्टेप था वो आप लोगों को याद करवा दिया है, वो आप लोगों को रटवा दिया है और कुछ नहीं है, होल स्क्वायर करके हम लोगों ने ऐड किया और जो भी अपने पास फाइनल स्टेप था होल स्क्वायर करके हम लोगों ने ऐड कर लिया दोनों का होल स्क्वायर करके, वापस कर लेना आप लोग, कल की क्लास में समझा चुका हूँ मैं, और जो लास्ट स्टेप थी वो याद करवा दी, ट्रिक्स बन गई और ट्रिक्स कुछ नहीं होती। देखिए तो कैसे, मुझे ही बताओ आप लोग, जब भी 1 हो, a और b का मान 1 हो तो 1 इधर उधर जाता हुआ दिखाई देगा क्या, a का मान अगर 1 हो तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसमें ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा ही नहीं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा, a का मान 1 है और b का मान भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b का मान भी यहाँ पर 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब भी ऐसा पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पर a का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 49/169,
289 इसमें से माइनस करोगे तो भाई सोल्व कर लेना, आंसर ही आ जाएगा। कैलकुलेशन तो थोड़ी देर पहले भी मैंने कर दी है, या आप लोग खुद ही कर सकते हो। या ऐसे क्वेश्चंस में देखो, ऐसे वैसे नॉर्मली आएंगे नहीं, वैसे बताने को तो कितनी भी ट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आता भी नहीं है। आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, ये 13 है, ये लंब कर्ण आधार वाला तरीका, ये लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण इक्वल्स टू 7/13। कर्ण की वैल्यू 13 है, तो ये अगर 13 हो तो आप लोगों को ट्रिपलेट्स पता हो, हाइपोटेनस या कर्ण अगर 13 हो तो परपेंडिकुलर, और लंब की जो वैल्यू होगी वो होगी 12 और 5, क्योंकि माइनस 7 है तो अपने पास यहाँ पर 12 रखोगे। ऐसा भी हो सकता है 5, 12, 13 सॉरी, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए तभी तो माइनस होगा। तो 12 में से 7-5 माइनस करोगे तभी 13 आएगा, तो परपेंडिकुलर 12, 5 और 13 ये हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू कितनी होगी, 12, इसकी वैल्यू अपने पास कर्ण अगर ये आ गया तो 12, तो इसकी जगह 12/13 और इसकी जगह 5/13 इक्वल्स टू 17/13 ये हम लोग सोच सकते हैं, ये अपना आंसर होगा। तो करने को कैसे भी कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ इसी टाइप का, देखिए उसको आप लोग। तो आपको मैंने कल बेसिक भी समझा दिया था, आज मैंने बेसिक और इसके तरीके या ट्रिक्स डायरेक्ट कैसे करोगे या बेसिक क्या होगा, बेसिक से ट्रिक्स बनती है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम में अगर स्कोर करना है तो 180 प्लस 190 प्लस स्कोर करना है। जितने भी लोगों से आप पूछ लो, किसी का अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओनली ट्रिक्स याद करके गया हो और 190 आ गया हो, है हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आपको बेसिक नॉलेज होगा तो ही स्कोर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये अब की बार मेंस में भी आया था, मेंस के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये लिखा हुआ है अपने पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, और वैल्यू जो पूछी हम लोगों से कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो कैसे अप्रोच कर पाओगे आप लोग, कैसे सोल्व कर पाओगे? सीधा तरीका है, मैंने कहा है कि 1 जब इधर उधर जाएगा तो क्या वो दिखाई देगा क्या? a का मान 1 है, b का मान या तो साइन और कॉस चेंज होंगे या यहाँ पर a और b चेंज होंगे, लेकिन 1 1 होगा तो b इधर और a इधर दिखाई नहीं देगा, वो 1 1 पलट गया तो अपना आंसर जो आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है a स्क्वायर, इसका जो मान होगा, ये जो अक्ष की वैल्यू होगी वो होगी a स्क्वायर, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो आंसर जो आ गया अपना, ये √2 sin थीटा, ये अपना आंसर आ गया। तो अब की बार और तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके भी मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे ठीक तरीका इस क्वेश्चन का करने का यही है। ऐसे अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो अपना यह आंसर होगा √2 sin थीटा। ये वही तरीका, a का मान 1, b का मान 1, a b की कोई वैल्यू भी दे सकता है, आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका स्क्वायर करने के ऐड करने वाला आपको पता होगा, स्क्वायर करके ऐड करने वाला भी पता होगा, या उसके अलावा भी क्या तरीका हो सकता है, देखो मैं सिखाता हूँ। स्क्वायर कर दो इसका, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि और तरीके क्या हो सकते हैं। वो स्क्वायर करके ऐड कर दो, वो तो बेसिक और ट्रिक्स बात एक ही होगी, और सिखा देता हूँ। और अब की बार मेंस में आया भी है इस टाइप का क्वेश्चन, ये कोस स्क्वायर को आप लोग उधर ले जाओ तो कोस स्क्वायर थीटा बचा, इसको साइन के स्क्वायर को भी उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा इधर रख लो। मुझे बताओ, अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन है तो एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, ऐसा आप लोगों को याद होगा, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, और इधर ये तो है ही 2 sin थीटा cos थीटा तो है ही। अब मुझे ये बताइए cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, √2 cos थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है √2 cos थीटा। इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर ये चल ही रहा है 2 sin थीटा cos थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, √2 से √2 टाइम, तो √2 sin थीटा बचा इधर, और उधर बचा अपने पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही हम लोगों से पूछा है। ऐसे कोशिश करना, अलग अलग दिमाग चले आपका, अलग अलग तरीके से करोगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे बैठे एग्जाम नहीं देख रहे हैं। आप लोग सोचो कि इसको ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, यहाँ हम लोग तरीके सीख रहे हैं,
एग्जाम में नहीं बैठे हम लोग कि एक ही तरीके से कर लें, अलग अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से। दो तीन तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, और बी कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है वाई, और हम लोगों से पूछा है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी और डी, ऑप्शन दिए हुए हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो अभी भी समझाया मैंने, y का जो मान होगा, इसको भूल जाओ आप लोग, इसकी वैल्यू पूछे याद तो रखना ही पड़ेगा, y का जो मान होगा वो a और b, a इधर आ गया और b इधर आ गया, और साइन तो चेंज हो ही रहा है, या तो cos इधर साइन इधर, या a और b इधर उधर जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो y का जो मान होगा वो रूट के अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर क्योंकि इसका मान पूछा है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ए स्क्वायर अपना आंसर आ गया। तो ये जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था उसके दो टाइप के जो क्वेश्चंस थे, और भी मैं आप लोगों को काफ़ी सारे टाइप समझाने वाला हूं, लेकिन अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी की चीज़ें। आज दो ही टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल का बेसिक आप लोग वापस पढ़िए, और आज जो मैंने आपको समझाया है इसको एक बार देखो, ताकि जिनका ट्रिग्नोमेट्री एकदम वीक है वो भी अपने साथ चलें, और फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊँ तो उनको भी समझ में आए, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ओके, थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।